देवाय नमः। भाई बहनों, परमात्मा तो हमेशा अपने भक्तों की सुनता है, बस उसको पुकारने और उसकी शरण में जाने की जरूरत होती है। आज आपको ऐसे ही बांके बिहारी की कृपा चमत्कार की सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले, जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये अमृतसर के एक बहुत बड़े कपड़ा व्यवसायी की है, जिनका नाम है श्री गोपाल गिल। इनके पास भरपूर संपत्ति थी, कोठी, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ थे, लेकिन फिर भी एक कोना खाली था। वो ये कि उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने सैकड़ों कन्याओं की विवाह करा दिया, तो बेरोजगारों को रोजगार दिलाया, बहुत प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किए, मगर उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकी। दोनों पति पत्नी सबके लिए एक आदर्श थे। दुनिया को लगता था कि वो बहुत सुखी हैं, किंतु अंदर से वो टूटे हुए थे। धन वैभव किस काम का, जब उनका नाम लेने वाला आगे ना हो। कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य, तंत्र मंत्र सब कुछ उन्होंने दिखवाया, मगर उनकी मनोकामना की पूर्ति नहीं हुई। धीरे धीरे गिल दंपति ने संतान की आशा ही छोड़ दी। उन्होंने सोचा, ये जन्म तो बिना औलाद के चला गया, ऐसा करते हैं कि अगला जन्म सुधार लें, तो कभी अयोध्या, कभी द्वारिका, कभी बद्रीनाथ, तो कभी कांचीपुरम, कभी प्रयाग, तो कभी रामेश्वरम। इस क्रम में वे एक बार वृंदावन आए। उस समय फागुन का महीना था। वृंदावन रंग और गुलाल से सरोवर था। वहाँ पर आके उनके अंतर्मन में एक अलग सी शांति मिली। रंग जी, ब्रह्मचारी जी, गोविंद देव जी, सहाजी, निधिवन, सेवा कुंज, राधा बल्लभ जी के दर्शन किए। ऐसा लगा उनको कि जैसे तपती धरती पर बारिश की कुछ बूंदें गिर गई हों। अंत में वे श्री बिहारी जी महाराज के मंदिर पधारे। बिहारी जी को दोनों ने देखा और देखते रह गए। मंदिर की आभा, भक्तों का उत्साह, होली के रंग, सब उनके दुखी मन में कुछ शांति दे रहे थे। श्री बिहारी जी महाराज की बांकी अदा श्याम सलोनी छवि, हाय, जो उन्हें देख ले बस देखता ही रह जाए। पूरा वातावरण रंग से सरोवर था। वे दोनों अपने प्राणों को शीतल कर रहे थे, तभी किसी ने बगल में आकर उन्हें पीछे से छुआ। गिल साहब ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, तो कोई सज्जन रंग में रंगे हुए उनके पास खड़े थे। उन्होंने ऊपर से नीचे तक उनको देखा, लेकिन पहचान नहीं पाए। तो उस सज्जन ने मुस्कुरा कहा, क्यों गिल बाबू, पहचाना नहीं क्या? उनकी आवाज़ सुनकर गिल साहब चहक कर बोले, चंद्रमोहन जी, आपको देख कर तो मैं वास्तव में नहीं पहचान पाया। होली का सच्चा सुख तो आप ले रहे हो, और कौन कौन आया है? तो चंद्रबाबू बोले, आया तो पूरी मंडली के साथ हूँ, पर वे सब चले गए, मैं यहीं अपने गोस्वामी जी के पास हूँ, उन्हीं के पास ठहरा हूँ। आओ, तुम्हें गोस्वामी जी से मिलवा दूँ। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हैं, जो मुँह से कह दें वही होता है। बहुत लोगों की इच्छा की पूर्ति हुई है, बिहारी जी महाराज के विशेष कृपा है उन पर। चंद्रमोहन जी की बात सुनकर गिल दंपति की सोई इच्छा एक बार फिर करवट बदली, कुछ उम्मीदें जागी। उन्होंने बिहारी जी महाराज को धन्यवाद दिया, प्रणाम किया, भोग प्रसाद तो पहले ही चढ़ा चुके थे, उसे संभाला और चंद्रमोहन जी से कहा, बताओ कहाँ है उनका निवास? चंद्रमोहन जी ने कहा, बिल्कुल यही मंदिर के पीछे, आइए मैं आपको ले चलता हूँ। यह कहके उन्होंने श्री बिहारी जी महाराज को प्रणाम किया और पीछे वाले दरवाजे से सभी बाहर आ गए। वे गोस्वामी जी के पास आ गए, मिले, उनके दर्शन किए। गोस्वामी जी को मिलकर उन्हें बड़ी संतुष्टि मिली, जैसे प्यासे को कुआं मिल गया। थोड़ी देर बैठने के बाद गोपाल जी बड़ी नम्रता के साथ बोले, महाराज, हमारे कोई संतान नहीं है, एक पुत्र हो जाए तो हम निश्चिंत होकर अपना मन श्री बिहारी जी के श्री चरणों में समर्पित कर दें, हमारी और कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, बस एक संतान की कमी है। गोस्वामी जी ने मुस्कुराने के बाद कहा, श्री बिहारी जी तो कामनाओं के कल्पतरु हैं,
इधर अभिलाषा करो उधर पूरी हुई। अगले वर्ष आप गोद में पुत्र लेकर बिहारी जी महाराज के दर्शन करेंगे। गिल दंपति का हृदय आनंद से भर गया। गोस्वामी जी ने कहा, मंदिर के द्वार पर और परिक्रमा मार्ग में आपने दीवार पर गोबर के सतिये देखे होंगे। जी नहीं, हमने उधर ध्यान नहीं दिया, गिल साहब ने कहा। उनने कहा, कोई बात नहीं, अब ध्यान दे देना। उसी तरह के गोबर के सतिये आप दोनों भी लगाइए, गाय का गोबर वही मिल जाएगा। अगले वर्ष जब आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाए तब आप अपनी समर्थ के अनुसार स्वर्ण के स्वास्तिकों से गोबर के सतिये को मार जाना, श्री बिहारी जी को पोशाक चढ़ाना, भोग लगाना और ब्रजवासी तथा साधु संतों को भोजन कराना, दान दक्षिणा देना। गोपाल जी की प्रार्थना पर गोस्वामी जी स्वयं उनके साथ आए और सतिये रखवा के गरीबों में मिठाई बांटी। उचित समय श्री जी महाराज की कृपा से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम राजबिहारी रखा। पुत्र के साथ वह बिहारी जी के दर्शन करने आए, गोबर के सतिये को बढ़िया स्वर्ण सतियों से मारा, फिर बिहारी जी महाराज को बढ़िया पोशाक धारण करवाई। उसी समय गोस्वामी जी महाराज ने श्री बांके बिहारी की प्रसादी चुनर गिल दंपति को प्रदान की और कहा, जब राजबिहारी किसी पीड़ा से पीड़ित हो तो इस चुनर को उसके ऊपर उसार देना। गोस्वामी जी महाराज और बिहारी जी से उन्होंने विदा ली। उसके बाद एक एक करके समय बीतना लगा। शिशु राजबिहारी हंसता खेलता धीरे धीरे बड़ा होने लगा। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पूरा परिवार बहुत खुश था, चीजों और वैभव को कोई कमी नहीं थी उनके पास। अब राजबिहारी 15 साल का हो गया। वो बहुत सुंदर, गोरा, हृष्ट पुष्ट, लिखने पढ़ने में तेज था। उस दिन राजबिहारी का 16वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। बहुत भव्य आयोजन था, शानदार पार्टी, सब कुछ अच्छा लग रहा था। एक मंच पर राजबिहारी अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तभी अचानक वो कुर्सी से नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। किसी की समझ में कुछ नहीं आया कि ये अचानक क्या हो गया। वहाँ पर कुछ डॉक्टर भी थे, उन्होंने उसको देखा लेकिन किसी की समझ में कुछ नहीं आए। रात भर राजबिहारी को इंजेक्शन देते रहे पर उनको होश ना आया। बुखार 106 डिग्री तक पहुँच गया, हालत खराब होती गई। डॉक्टर, वैद्य, हकीम सब बुला लिए गए लेकिन कोई रोग नहीं पकड़ पा रहा था। राजबिहारी का शरीर पीला पड़ गया, ना बोलता ना आंखें खोलता, अंग अंग बुखार से तप रहा था। गिल दंपति बहुत परेशान करे, क्या करें समझ में नहीं आ रहा, जितने लोग उतनी बातें, इनके समझ में कुछ ना आए। जब सेठ जी को पता चला कि लोगों के मन में है कि ये लोग पाप की कमाई इनके पास है, तो रोने लगे कि हे भगवान, आप तो जानते हैं मैंने कभी किसी का दिल दुखा के पैसा नहीं कमाया, जो कमाया अपनी मेहनत से कमाया। पंडितों ने जब तक चल रहे थे उसको और बढ़वा दिया, ग्रह शांति करवाई, पितृ दोष सब कुछ किया मगर कुछ ना हुआ। एक दिन की बात है, इनकी एक रात चंद्रावती को एक मंगलकारी सपना आया। उसने सपने में देखा कि वह और उसका पति अपने बच्चे को गोद में लिए बांके बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं। वो दर्शनों से इतनी खुश थी कि बहुत समय बाद मन में कुछ शांति मिली और अचानक उसकी आंख खुल गई। वो बार बार सपना याद कर रही थी, खुली आंखों से बिहारी जी के दर्शन कर रही थी। सहसा उसे वो चुनरी याद आ गई जो गोस्वामी जी ने महाराज ने दी थी और कहा था किसी परेशानी में बालक को उसार देना। इतने समय से तो वो भूल ही गई थी, वे बच्चे के प्रेम में इतने पागल हो गए थे कि कभी बिहारी जी के दर्शनों के लिए भी नहीं गए। वो कहते हैं ना, आनंद के दिनों में अपने आराध्य को भुला देना मनुष्य का स्वभाव है। आज सपने में दर्शन देकर बिहारी जी ने जो कृपा की उसे याद करके वो बहुत खुश थी। बिहारी जी को बार बार धन्यवाद दे रही थी। उसने अपने पति को भी चुनरी के बारे में याद दिलाया। जल्दी से संदूक में वो चुनरी निकाली गई और राजबिहारी को उड़ा दी गई। इसके बाद दोनों पति पत्नी वहीं बैठ के जय बिहारी जी का जाप करने लगे। सुबह राजबिहारी को अपने आप होश आ गया, बुखार भी हल्का हो गया, धीरे धीरे जाता ही रहा बुखार। अगले 7 दिन में वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, कोई कमजोरी नहीं रही, अब सब धीरे धीरे पहले जैसा हो गया, जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। अब की बार गिल दंपति कलयुग और पुत्र मोह से दूर श्री बिहारी जी के श्री चरणों में रमे रहे। हर महीने दर्शनों के लिए आना उनका अब नियम बन गया।
राजबिहारी की शादी होने के बाद गोपाल जी ने अपना व्यवसाय उसे दे दिया और दोनों पति पत्नी हमेशा के लिए वृंदावन में आके बस गए। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, दीन बंधु दीनानाथ की जय। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।